एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उत्तराखंड की ये फिग की सब्ज़ी, अंजीर फिग, और इसको उत्तराखंड में तिमला कहते हैं। और ये है मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 किलो के आसपास है इनका वज़न होगा लगभग। इनको सबसे पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से ताकि इन पे लगी हुई धूल मिट्टी हट जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसके पीछे ये डंडियाँ लगी हैं इनको भी हम अलग कर देंगे। और ये मैंने सारे अलग कर लिए। और एक बर्तन में इसको लेके बॉईल कर लेंगे। मैंने कुकर लिया है, आप कोई सा भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। और इसमें पानी डालेंगे जितने में ये डूब जाए अच्छे से। और मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच नमक ताकि नमक का फ्लेवर अंदर तक चल जाए इनके। जब ये बॉईल होंगे अच्छे से मिला लेती हूँ। और कुकर का ढक्कन तो लगा रही हूँ लेकिन इसमें सीटी नहीं दिलानी है क्योंकि सीटी आएगी तो फिर ये काफ़ी गल जाएंगे। सीटी आने से पहले ही गैस को बंद कर देती हूँ मैं और इसको ठंडा होने रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम खोलेंगे। ये ठंडा इसकी स्टीम आ गई थी कुकर की, अब मैंने खोला है इसको। फिर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी इसको फिर बीच में से कट करना है। देखिए थोड़ा इसमें कुक हो गए हैं और इसको ठंडा होने के बाद हम बीच में से कट करेंगे। ठंडे हो चुके हैं, बीच में से कट इसलिए करना है कि बीच में इसमें बारीक बारीक बीज होते हैं, इनको चम्मच की हेल्प से या चक्कू की हेल्प से इसको निकालना होता है, नहीं तो वो मुंह पे आएंगे खाते समय। इनको सबको अच्छे से निकाल देंगे, ये बीज का हिस्सा है इसका। ये देखिए मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं बीच में से। अब मैंने लिया है नमक स्वादानुसार, 2 मैंने बड़े प्याज लिए हैं, ऐसे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और ये टमाटर 2 टमाटर के आसपास, और ये लिया है मैंने अदरक और लहसुन का कुटा हुआ कुटा है मैंने, इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया। मिर्च लेंगे हम और जीरा, धनिया और हल्दी, और यह है गरम मसाला और यह है हींग पाउडर। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं सरसों का तेल लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कोई भी तेल ले सकते हैं। तो इसमें डाल देती हूँ मैं हींग। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, प्याज डाल दिया साथ में इसके, इनको अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कुटा हुआ था, पेस्ट तो नहीं कहेंगे इसको, जो कुटा हुआ अदरक लहसुन है उसको डाल दिया। अब डालेंगे हम टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे इसमें ताकि अच्छे से ग्रेवी बन चुकी बन जाए। ताकि हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च जैसे कम ज़्यादा जो भी खाता है अपने हिसाब से डालेंगे मिर्च, और 1 चम्मच गरम मसाला। और नमक टेस्ट के हिसाब से। और अब मसाले को थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। जीरो पे करके मसाले को मैं पकने दूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए थोड़ा ढक के रख देती हूँ मसाले को ताकि अच्छे से पक जाए। और थोड़ी देर बाद देखिए तेल छोड़ने लगा है,
मसाला हो गया है रेडी। अब जो हमने ये तिमले या फिग अंजीर जो भी हैं इनको इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके ताकि मसाला इनमें अच्छे से चला जाए अंदर तक। बस थोड़ी देर इसको मसाले और इसको मिक्स करने के बाद सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, टेस्टी दिख रही है काफ़ी अच्छी, और इसको हम रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए डिलीशियस सब्जी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।